taking fuel, increase farmers' income, and expand biofuels adoption. नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। 2020 के जमाने में भारत ने G20 में अपना परचम लहरा दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हर शादी में जैसे कोई फूफा नाराज हो जाते हैं, वैसे ही कुछ फूफाओं को नजरअंदाज कर दें तो G20 की सफलता ने दुनिया को भारत का दमखम दिखा दिया है। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद से ही भारत पर यह कलंक चपका दिया गया था कि अंतरराष्ट्रीय आयोजन हमारे बस की बात नहीं। भले ही भारतीय आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हों, लाखों करोड़ की कंपनियां चला रहे हों, लेकिन दुनिया भारत के प्रबंध कौशल को संदेह से देखती थी। बाहर से आए लोग यही सोचते थे कि भारत ऐसे आयोजन कर ही नहीं सकता, लेकिन G20 में भारत ने कूटनीतिक सफलता के साथ जो हासिल करके दिखाया है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है। भारत और मौजूदा पीढ़ी के लिए ये भारत का अब तक का ऐसा सबसे बड़ा आयोजन था जो उन्होंने इतने विशाल, इतने बड़े पैमाने पर होते नहीं देखा। जो लोग विदेश जाकर वहां की भव्यता, चाक चौबंद, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, इन सब का गुणगान करते नहीं थकते, उनके लिए भारत ने एक उदाहरण पेश किया है कि सब कुछ संभव है अगर सबका सहयोग हो। 40 से ज्यादा देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 3 दिन देश की राजधानी में जमावड़ा, दर्जनों मीटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम, विदेशी नेताओं के भारत के मंदिरों और पर्यटन स्थल पर सुरक्षित दौरे, एक राष्ट्र और G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की वो जनता जो अंग्रेज या फिर गोरी चमड़ी देखकर ही कभी थोड़ा कमतर महसूस करने लगती थी, उसके लिए इस आयोजन की मेजबानी इतिहास बदलने और नए इतिहास की कहानी है। अब भले ही ये बड़ी बात ना लगे, लेकिन तस्वीरों में विदेशी नेताओं से हाथ मिलाते, बात करते और हल्के फुल्के पलों में भी भारत के नेतृत्व का आत्मविश्वास, भारत का नया आत्मविश्वास गढ़ रहा है। जो अंग्रेजी नहीं बोल पाने के कारण सदियों पीछे ढकेले गए, उनका हिंदी भाषी नेता जब ऐसे उदाहरण पेश करे कि US के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गेट मैकलॉड भारत आकर गजब की हिंदी में बात करें, तो विश्वास पुख्ता हो जाता है कि भारत गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंक रहा है। जी, जैसे आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में देखा, अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है। हमने कुछ ऐलान किया जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन के बारे में, हमारे DFC की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपने तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे। हम स्टूडेंट मोबिलिटी के बारे में अलग अलग पार्टनरशिप्स अनाउंस किया, जो जिसके तहत अमेरिका और इंडियन एकेडेमिया एक साथ भी धावन कर सकते हैं। वैश्विक आयोजन में जब भारत अपने कारीगर, अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने हुनर को स्वाभिमान की तरह प्रस्तुत करे, तो निसंदेह ये गुलामी के चिन्हों पर इतराने की बजाय अपने अस्तित्व पर अभिमान का अमृतकाल है। विदेश जाकर बड़ी शान से आई लव न्यूयॉर्क की टी शर्ट खरीदें और फ्लॉन्ट करके उसे पहनने वालों के लिए ये अपनी मिट्टी को पहचानने का वक्त है। कश्मीर के पश्मीना से लेकर तमिलनाडु के कांजीवरम तक, कन्नौज के इत्र से लेकर बनारसी साड़ी तक, भारत के अपने संसाधन काफी हैं कि आप अपनी इस विविधता वाली विरासत पर गर्व कर सकें। G20 एक व्यापारिक वैश्विक आयोजन ही नहीं, नए भारत के नए आत्मविश्वास का उत्सव है जो हम भारतवासियों को हमेशा प्रेरित और आनंदित करेगा। धन्यवाद।